नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कमाल का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं कमाल की जानकारियां लाया हूँ केएल राहुल की शादी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से इनको गिफ्ट मिले हैं और किस किस ने इनको गिफ्ट दिया है और वो कितने महंगे हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बताने के शादी में मेहमानों को आना और तोहफा देना बेहद आम बात है, लेकिन बॉलीवुड के अन्ना कहे जाने वाले सुनील शेट्टी की बेटी और अभिनेत्री आतिया शेट्टी के शादी के मौके पर मिले गिफ्ट की बात कुछ और ही है। सितारों से सजी इस वेडिंग पार्टी में किसी ने करोड़ों का कार दिया तो किसी ने 20 लाख का परफ्यूम दिया और कुछ बॉलीवुड स्टार ने काफी महंगे महंगे तोहफे दिए थे। चलिए जानते हैं किसने क्या दिया। सबसे पहले बात करें आतिया शेट्टी के पिता सुनील शेट्टी की, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के रूप में मुंबई में एक अपार्टमेंट गिफ्ट दिया है जिसकी कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों वहीं बात करें बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और सुनील शेट्टी की, और इस मौके पर सलमान खान ने अपने खास दोस्त की बेटी को ओडी कार गिफ्ट की है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए की है। वहीं बात करें अगले सुपरस्टार की, जैकी श्रॉफ और सुनील शेट्टी करीबी माने जाते हैं। जैकी दादा ने आतिया को अपनी बेटी की तरह मानते हैं। उन्होंने इस खास मौके पर उन्होंने चौपाट ब्रांड की घड़ी गिफ्ट की है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए की है। और बात करें अगले स्टार की, अर्जुन कपूर ने भी आतिया शेट्टी के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, तो उन्होंने अपने खास दोस्त को डायमंड की ब्रेसलेट गिफ्ट किया है और इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। ऐसा ही नहीं बल्कि क्रिकेटर विराट कोहली ऐसे मामले में कम नहीं है किसी से। उन्होंने अपने दोस्त केएल राहुल को बीएमडब्ल्यू कार गिफ्ट किया जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ की बताई जा रही है। और दोस्तों पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शादी के मौके पर शामिल हुए, उन्होंने भी ढेर सारे आशीर्वाद साथ केएल राहुल को कावासाकी बाइक गिफ्ट की और इस बाइक की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। दोस्तों बड़े बड़े स्टार इनकी शादी में आए और बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए केएल राहुल और आतिया शेट्टी को और बहुत सारा प्यार भरा आशीर्वाद दिया। और दोस्तों अगर आप भी केएल राहुल के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों केएल राहुल और आतिया शेट्टी की शादी की शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें।